हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 2B का आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। और इसके प्रीवियस वीडियो हमने इसका प्रीवियस लेक्चर और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, बोला गया वेरीफाई दैट 3, -2, 1 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। यानी सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ 3, -2, 1 पे उसके जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे पी एक्स जो है वो हमें गिवन है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। यानी फर्स्ट जो है 3 है तो पी 3 निकाल लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस टू 3 का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू 3 प्लस सिक्स। यानी ये 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस टू इंटू 9 माइनस 15 प्लस सिक्स। ये हो जाएगा 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। ये और ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 33 माइनस 18 और 15 को ऐड करेंगे 33 इक्वल टू जीरो। अगेन हम देखेंगे p माइनस 2 यानी माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। 2 का क्यूब करेंगे माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6। यानी ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 6 माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हमने पी एक्स पे 3 का वैल्यू रखा और पी एक्स पे माइनस 2 का वैल्यू रखा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम देखेंगे पी एक्स का हमने 3 निकाल लिया था, माइनस 2 निकाल लिया था, अब 1 पे वेरीफाई कर लेते हैं। पी 1 इक्वल टू जाएगा 1 क्यू माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। यहाँ पे जो भी वैल्यू है एक्स के जगह पर हम 1 पुट किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2, चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6। ये और ये दोनों पॉजिटिव है यानी 6 माइनस 6 और 1, यहाँ पे ये प्लस है और ये भी प्लस है तो 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस 5 और 2 7 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू को चेक किया, 0 आ रहे हैं। अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा होता है माइनस बी बाई ए। तो इस फॉर्मूले के, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, c इक्वल टू हमारा हो जाएगा इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस 5 एंड d इक्वल टू हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस माइनस 2 बाई ए 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए हम निकाल चुके हैं जो कि माइनस और माइनस 2 बाई 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है जो हमने अभी वेरीफाई किया, तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू माइनस 2 एंड गामा इक्वल टू 1। तो अल्फा जो है हमारे पास 3 है, बीटा जो है माइनस 2 है और प्लस गामा जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया, एक माइनस बी बाई ए और एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो हमारा होता है सी बाई ए, यानी सी सी जो है मेरे पास माइनस 5 है और ए ए जो है 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस 5।
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जो है मेरे पास 3 है, इंटू बीटा जो है माइनस 2 है, प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा जो है माइनस 2 है, इंटू गामा, गामा जो है 1 है, प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा 1 इंटू अल्फा 3, यानी ये हो जाएगा 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3, तो 6 और 2 दोनों माइनस में है, तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 यानी माइनस 5। तो इस तरीके से हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि माइनस 5 और माइनस 5 इक्वल है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये सारे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किए हुए हैं, तो जो डी है हमारे पास वो है 6, यानी हो जाएगा माइनस 6 बाई ए 1, यानी माइनस 6। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा जो है मेरे पास 3 है, इंटू बीटा, बीटा जो है माइनस 2 है, इंटू गामा, गामा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस 6 माइनस 6, तो हमने दोनों काम कर लिए। इसका जो वेरीफाई द रिलेशन बोल रहा था बिटवीन 0 वो भी कर लिए, और इसका कोएफिशिएंट भी कर लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरीफाई दैट 5 माइनस 2 एंड 1 बाई 3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी पे था, उसी पे है, केवल यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10। पी 5 ले लेते हैं, तो ये मतलब 3 का क्यूब माइनस 10, 5 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10, तो ये हमारा हो जाएगा पी 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 10 इंटू 5 का स्क्वायर जो होगा हमारा 25 हो जाएगा, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 और 5 में 10 135, ये हो जाएगा 10। अगेन पी 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 375 माइनस 250 माइनस 135 प्लस 10, यानी यहाँ पे जो मेरे पास है ये और ये दोनों प्लस है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं 385, ये और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाले एक साथ ले लेते हैं, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा जगह 3 और 5 8, 2 और 1 3, यानी 385 माइनस 385, तो पी 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। और भी हम चेक कर लेते हैं, माइनस 2 पे चेक कर लेते हैं, तो पी माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू माइनस 27 इंटू माइनस 2 प्लस 10, तो पी माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 10 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54 प्लस 10, यानी पी माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 8 है तो हो जाएगा 24, माइनस 10 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 प्लस 54 प्लस 10, यानी पी माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये दोनों प्लस है, यानी 54 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस, चूंकि ये दोनों माइनस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 64, यानी पी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यू को चेक किया, अब तीसरे वैल्यू को चेक करेंगे, पहले आप इतने को नोट डाउन कर लें। अब हम तीसरी वैल्यू जो कि 1/3 है इसको पुट करेंगे, यानी पी एक्स इक्वल टू है हमारा 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10, यानी पी 1/3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10, तो ये हमारा हो जाएगा पी 1/3 इक्वल टू 3 इंटू
वन का क्यूब करेंगे वन ही हो जाएगा, और थ्री का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 10 इंटू 1/9, और ये हमारा जो है 9 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 9 हो जाएगा माइनस 9 प्लस 10। अगेन इसको भी ये भी 9 हो जाएगा हमारा, तो पी 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 माइनस 10/9 माइनस 9 प्लस 10/1। यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी 1/3 इक्वल टू, सबका एलसीएम जब हम लेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 का डिवाइड 9 बार में करेंगे तो 9, और 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अगेन 1 का डिवाइड 9 बार में करेंगे 9, और 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 90। यानी यहाँ पे ये और ये मेरे पास प्लस है तो 90 और 1 91 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस है तो ये भी हमारा हो जाएगा 91/9। यानी 91 में से 91 माइनस करेंगे तो 0/9, ये भी हमारा 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों जीरो को वेरीफाई कर लिया, आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। अब इसके रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2, एंड गामा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0। और इससे कंपेयर करके हम ए बी सी निकाल लेते हैं, यानी a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, b इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर के पास यानी -10, c इक्वल टू हो जाएगा हमारा -27, और d इक्वल टू हमारा हो जाएगा d10। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा होता है -b/a, यानी b जो है मेरे पास -10 है तो यह हो जाएगा -10/a 3 है, यानी -10/3। अब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, तो अल्फा जो है मेरे पास 5 है प्लस बीटा जो है -2 है, और प्लस गामा 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 5 -2 प्लस 1/3। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड ये 15 -6 प्लस 1, यानी 15 और 1 दोनों प्लस है तो 16 -6/3, और 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10/3। तो इस तरीके से ये 10/3, ये 10/3 हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हमारा होता है c/a। तो c जो है मेरे पास -27, और a जो है मेरे पास 3 है, यानी ये हो जाएगा -9। अगेन अल्फा और बीटा, तो अल्फा जो है मेरे पास 5 है इंटू बीटा जो है -2 है, प्लस बीटा इंटू गामा, यानी बीटा -2 है इंटू गामा जो है मेरे पास 1/3 है, प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा जो है 1/3 है इंटू अल्फा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10, और प्लस माइनस -2/3 प्लस 5/3, यानी इसका जब हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 -30 -2 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा, ये और ये दोनों माइनस में है तो 30 और 5 ये हो जाएगा -32 प्लस 5/3। और इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो -32 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -27/3, यानी ये हो जाएगा -9। तो -9 ये आ गया हमारा अल्फा बीटा, बीटा गामा इंटू गामा अल्फा -9 ये भी था, और ये भी -9। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हमारा होता है -d/a, तो d जो है मेरे पास -10 और a जो है 3, यानी ये हो जाएगा -10/3, तो हो ही गया।
अब देख लेते अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा जो है मेरे पास 5 था, बीटा जो है मेरे पास माइनस 2 था और गामा 1/3 था, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 10/3। इस तरीके से हमने इसके रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया, तो आप इसको नोट आउट कर लें।